गुना पहुंचे। गुना शिवपुरी लोकसभा संसदीय क्षेत्र के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की धर्मपत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया, जहां उन्होंने एक निजी होटल में ब्लॉक स्तर के शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रत्येक कार्यकर्ता को बहुत अच्छे से समय भी दिया, साथ ही उनकी परेशानियां भी जानी और उनके निदान के आश्वासन भी दिया। साथ ही सभी कार्यकर्ताओं से उन्होंने ये उम्मीद भी जताई कि इस बार अधिक से अधिक वोटों से सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिताया जाए। वहीं एक मौका ऐसा आया कि प्रदर्शनी राजे सिंधिया के सामने एक कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और माहौल गर्माने लगा। वहीं पदाधिकारियों एवं वरिष्ठ कांग्रेसियों ने जैसे तैसे माहौल को ज्यादा गर्म होने से बचाया। इसके साथ ही मौका ऐसा आया जब एक महिला प्रदर्शनी राजे सिंधिया के साथ फोटो खिंचवाना चाहती थी। उन्होंने उनके साथ फोटो खिंचाई और उसके बाद महिला को गले लगाया तो महिला भावुक हो उठी और उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वहीं पहली बार था जब प्रियदर्शनी सिंधिया ने अपने से बात की और बताया कि उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बातचीत की है, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आप गुना संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहती हैं तो उन्होंने एक ही बात कही कि पहले महाराजा को कुछ सोच लेने दीजिए, उसके बाद मुझसे बात कीजिए। अगर भी गुफा के बैठे हैं उनके आसपास अपना स्थान ग्रहण करिए। मेरा मीडिया के सभी भाइयों से आग्रह, काम जो खत्म हो गया, आपके रोड हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल्स हो, जो भी काम हो सब इसमें लिखा है और ये काम है जो खत्म हो गया है, ये सपने नहीं है, ये हो गए हैं काम। तो साथ में मिलकर हमको और भी कई सारे काम करने हैं। कोई नहीं जाएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सबको मिलने को मुझे एक मौका मिल रहा है और इतनी गर्मी में आप लोग सब अपना काम छोड़ के यहाँ आए हमसे मिलने को, बातचीत करने के लिए और कुछ समझने के लिए और कुछ समझाने के लिए। तो पहले मैं एक दो चीज़ आपसे बातें करूँगी, अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं या मदद चाहिए आपको। अरे पर बहुत हो जाती है।